दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। उनके स्टार खिलाड़ी फैबियन एलन एंकल इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वेस्टइंडीज टीम के 15 नामों में अब अकील हुसैन को शामिल किया गया है। इवेंट की टेक्निकल कमेटी ने उन्हें टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। रिजर्व लिस्ट में भी बदलाव हुआ है और अब गुडाकेश मोटी को इसमें जगह मिल गई है। एलन के नहीं होने से वेस्टइंडीज की टीम के लिए बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। T20 क्रिकेट में उन्हें स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में जाना जाता है। गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी वह बेहतर रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 138 से ज़्यादा का है। फील्डिंग में भी वर्ल्ड के बेस्ट नामों में वह शामिल रहते हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज टीम के लिए उनका नहीं होना किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। अगर हम बात करें अकील हुसैन की, तो हुसैन ने इस साल CPL में बेहतर खेल दिखाया है, जहां उन्होंने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए सुनील नारायण के साथ एक घातक जोड़ी बनाई। उन्होंने प्रतियोगिता में 4.92 की शानदार इकोनॉमी रेट से 13 विकेट लिए। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में 15 बार खेला है, जिसमें उनकी सबसे हालिया उपस्थिति इस साल अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में आई है। वेस्टइंडीज टीम का अभियान T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच के साथ हुआ है। पाकिस्तान की टीम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी टीम में धाकड़ खिलाड़ियों की कमी नहीं है। तो ये थी एक बड़ी अपडेट वेस्टइंडीज टीम से। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।